दोस्तों, अगर आपके Redmi या फिर MI मोबाइल में भी जो आपकी वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिक घटती रहती है या फिर बढ़ती रहती है, आप कोई बटन नहीं दबाते, ऑटोमेटिक ही ऐसा होता रहता है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, मोस्टली तो ये प्रॉब्लम MI, Redmi और Xiaomi के सेट्स में देखने को मिलती है, बट ऐसा हो भी सकता है कि किसी और एंड्रॉयड मोबाइल में, किसी और कंपनी के में भी अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दिखती है कि जो वॉल्यूम है ऑटोमेटिक बढ़ रही है या फिर ऑटोमेटिक जो है घट रही है, तो इसे आप कैसे सोल्व करेंगे रेडमी के मोबाइल में भी और जो है अदर कंपनी के मोबाइल में भी, सबका एक ही तरीका है। तो देखिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, आपकी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे चुटकियों में मैं सोल्व करा दूंगा। तो किसी भी मोबाइल की मेन सेटिंग्स को ओपन कर लेना, ठीक है? तो आपको जो है मेन सेटिंग्स को ओपन कर लेना अपने मोबाइल की। तो चलिए यहाँ पे मैं मेन सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो है मेन सेटिंग में ही सर्च बार देखने को मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेन सेटिंग्स हो गई और ऊपर जो है आप देख रहे हैं सर्च बार है, ठीक है? तो इसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है मोनो, ठीक है? मोनो सर्च करेंगे तो यहाँ पे मोनो ऑडियो करके एक फंक्शन आएगा, ये आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सेटिंग्स आपको करनी है। देखिए यहाँ पे एक तो ऑडियो बैलेंस दिखाएगा इस तरीके से, तो आपको ऑडियो बैलेंस को बिल्कुल बीच में शिफ्ट कर देना है, ठीक है? ना राइट हो ना लेफ्ट हो, बिल्कुल बीच सेंटर में रोक देना है। और यहाँ पे एक मोनो ऑडियो करके एक ऑप्शन होता है ऊपर ही, इसे आपको अनेबल कर देना है, ठीक है? इतना करना है, उसके बाद बैक करना है, फिर से बैक करना है और अब मोबाइल के मेन सेटिंग्स में रुकना है। और यहाँ पे आपको ऐप्स करके एक ऑप्शन होता है, वो सर्च कर लेना है, ठीक है? ऐप्स में चले जाना है और मैनेज ऐप्स के अंदर जाएंगे जहाँ पे आपकी सारी ऐप्स दिखती हैं। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है सिस्टम SYSTEM सिस्टम लॉन्चर, ठीक है? सिस्टम लॉन्चर आप सर्च करेंगे इस तरीके से आ जाएगा, आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर देना। जैसे सिस्टम लॉन्चर पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको सिस्टम लॉन्चर पे जो है फोर्स स्टॉप कर देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर का आपको क्या है, क्लियर डाटा पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लियर कैच कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ से बाहर निकलना है और अब जो है आपको अपना मोबाइल एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम थी 99% सोल्व हो जाएगी, बट फिर भी अगर कुछ लोगों की प्रॉब्लम ऐसी है कि सोल्व ही नहीं हो रही है, तो भाई यहाँ पे मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप किसी अच्छे से मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास चले जाइए, एक बार उनको भी दिखा लीजिए, हो सकता है कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम हो मोबाइल के अंदर, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रखी है। और अगर आपको नहीं लगता कि यार हार्डवेयर प्रॉब्लम है, तो आप अपने मोबाइल को यार रिसेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी कितनी इन्फॉर्मेटिव रही कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना।